Okay, so today we start with the data types. So in previous class, we have discussed about the variable. Variable means it is a memory location where you have to store a value. When it is a location, we value store kariwa, that is called the variable. The variable value is changes throughout the program execution. Okay, throughout the program execution, variable value is changes. And jemti ki ame kahiba cinema hall re ame ticket booking karuche to jo timing pai ame show ta booking karuche se seat ta ama pai se samay pai booking ki rauchi ta pare next show pai alga loko asiki basuchonde to ame variable la jetara define kariba ame se variable re ko type ra value store kariba that is a very important point. तो आम जमी कह आमको पा आणवार अच्छे सो पाटा को आम गोटे क्लोज्ड कंटेनर आम आणुचे लाइक बॉटल वी कैन नॉट टेक द वाटर इन योर व्हाट लैपटॉप बैग रे वाटर रही आम जो राशन आणुचे ऑयल गुड़ाक रोचे गोटे गोटे पॉलीथिन भितर रोच अलग जो लूज आइटम आम आणुचे गोटे ठुंगारे दौरान कि गोटे ठुंगारे पैकिंग करके जरिए पैकिंग भी करके दौरान कि क्लोज्ड पॉली बैग ऑयल जो आणुचे खाइबा तेल आणुचे गोटे क्लोज कंटेनर रोचे तो डिपेंडिंग अपन द वैल्यू माने आम जो जिनस आनवा से अनुसार आम कंटेनर टा डिफाइन कर तो व्वेन आम जहाँ भी वैल्यू स्टोर करुचे प्रोग्राम रे, तो प्रोग्राम रे जो वैल्यू रोचे ये वैल्यूटा हूँ टू टाइप आम टू टाइप रैल्यू आम स्टोर करुचे गोटे हूँ न्यूमेरिक टाइप अनदर इज कैरेक्टर टाइप. ओके सो डाटा टाइप इज व्हाट ना इट डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा दैट विल स्टोर इन ए वेरिएबल को टाइप रा डाटा हमें स्टोर करिबा वेरिएबल रे हमें डाटा टाइप रे डिफाइन करिबा तो डाटा वैल्यू कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन द फॉलोइंग टाइप वन इज न्यूमेरिक अनदर इज कैरेक्टर द वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर अलोंग विद द डाटा टाइप सो व्हेन यू डिफाइन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर विद द डाटा टाइप. Data type specify the type of value to be stored by the variable. Okay, so co type ra value ame store kariwa that will define in the what by using of data type. In programming part or in real life, we store two type of data. Gote ame khali number store koruche, aa gote hoche ame character store koruche. Character ta kon rochi na it is a contain a numbers, contain the letters, contain the extra symbol. Numerically, khali number store hoche. Then tell me what is the difference between two? Dekho, numerically ame number store koruche, character e bhi number store koruche. Jate ame character e number store koruche, character e symbol store koruche, letter store koruche. Then what is the requirement of defining this numeric? न्यूमेरिक खाली नंबर रखिला क्यारेक्टर तो आम सब जिन रखे तो आम क्यारेक्टर टाक कहीं डिफाइन करवा तो जो नंबर टाक कहीं डिफाइन करवा क्यारेक्टर तो आम सब वैल्यू रखिपर किए कहपर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक एंड क्यारेक्टर जदि क्यारेक्टर आम नंबर स्टोर करदे तेरे न्यूमेरिका दरकार नहीं एनीबडी मनीषा नो सर रश्मिता अविनाश सागर सर क्वेश्चन डा आवर से रिपीट करूं दो सर क्वेश्चन हो जे हमें तारे हमें दीटा डाटा टाइप दी प्रकार यूज करू छे जो वेरिएबल हमें डिफाइन करू छे वेरिएबल हमें वैल्यू स्टोर करिबा हमर वैल्यू टा होची दुई प्रकार गोटा होची न्यूमेरिक आ गोटा होची कैरेक्टर न्यूमेरिक रे हमें नंबर स्टोर करू छे कैरेक्टर रे हमें नंबर भी स्टोर करि परिबा लेटर भी स्टोर कर पार एक्सट्रा सिंबल भी स्टोर कर पार जदि क्यारेक्टर नंबर स्टोर करुच्ची मोर न्यूमेरिक रे किसी काम नहीं कारण न्यूमेरिक रे खाली केवल नंबर रखी कि क्यारेक्टर नंबर आस रखा हा देज देयर एनी रिक्वयरमेंट फर डिफाइनिंग ए न्यूमेरिक न्यूमेरिक रे किसी रिक्वयरमेंट अच्छे जदि क्यारेक्टर टा नंबर भी स्टोर कर न्यूमेरिक टा आम कहीं डिफाइन करवा
कहि परिबो नो सर नो सर देयर इज ए ओनली वन डिफरेंस वी आर स्टोरिंग ए नंबर इन कैरेक्टर वी आर स्टोरिंग नंबर इन द न्यूमेरिक बट वी cannot perform any arithmetic operation when we store the value in a character. आमे जदि character रे जदि किछि number रखिबा ताले आमे कोनोसी arithmetic operation करि परिबा नै addition करि परिबा नै subtraction करि परिबा नै division करि परिबा नै. So there is a only one different. By using of numeric, you can perform any arithmetic operation. But in the character, you cannot perform any kind of arithmetic operation. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The variable should be declared along with the data type. Data type specify the type of value to be stored by the variable. Each data type allocate the fixed amount of memory space according to the programming language specification. ये जो data type हमें define करवा, depending upon the programming specification, automatic memory term allocate हुए. So now check here. Just a minute. A data type specify the type of the value to be stored by the variable. Each data type allocate the fixed amount of memory according to the programming specification. Ame jo bhi programming language use kariba, depending upon the programming language, amara jo data type ta define hue, ta data type ra memory ta differ karithae. That is essential to declare a variable so that memory is allocated to the value. While you are defining a variable, तो हमें जो तारे variable टा define करीबा, it must not start with any number. Variable हमें जो तारे define करीबा, variable टा कौनोसी number रो start हवा नहीं. It must begin with a letter. It must begin with a underscore. It must not contain any embedded space and symbol. कौनों सी space और symbol से रखी होने? Okay, like हमें ये वाला सब जो exclamatory, at the rate, ये सब वो symbol हमारा use करा जीवने हमें जितना variable टा define करीवा. In addition to the variable naming rules, you may consider the following variable naming convention. The first letter of the variable may indicate डाटा टाइप टू यूज आम जो भेरिएबल नाटा दबा तो फास्ट नेमटा रु ही आम जापर जे आम कौ टाइप वैल्यूटा स्टोर करवा जदि आमको न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करार अच्छे मु एन डिफाइन करी एन आदि मु कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करार अच्छे मुझे भेरिएबल आगे सी डिफाइन करी द फास्ट लेटर अफ द भेरिएबल मे इंडिकेट डाटा टाइप टू बी यूज द फास्ट लेटर द variable name should be clearly describe its purpose. आमे जो नाटा दबा से ना थ्रो रे आमे जानी परिबा जे variable टा कोन पय डिफाइन करा जाय छे जेंते के देखिवो when we are giving a name to a person आमे name थ्रो रे जानी परु छे जे से name टा belongs करु छे पुओ पिला को किबा झियो पिला को तो variable name is like that same time eta variable name ta daba se name through ro jani pare ba je ame kon store kariba
जदि आम कह एज टा स्टोर करने को चाहूचे तो वी हाव टू डिफाइन ए एज दैट मीन्स आम जापर जे से जगह आम एज स्टोर करवा जब आम डिफाइन करवा नेम तो आम जापर जे से जगह आम नेम स्टोर करवा द फास्ट लेटर अफ द भेरिएबल मे इंडिकेट डाटा टाइप टू यूज भेरिएबल नेम सुड क्लीयरली डेस्क्राइब इट पर्पोज इन द केस अफ भेरिएबल नेम इट कनसीस्ट अफ मल्टीपल वर्ड द फर्स्ट लेटर अफ इच वर्ड कुड बी कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड टा कैपिटलाइज होता दरकार All variable need to be assign a value before they are used. Okay, ida bujhi hala variable ta kemte define kara hobo? Yes sir. Yes sir. Okay. All variable need to be assigned a value before they are used. Ame variable ta ko use kariba purburu सेठी आमे किछि वैल्यू असाइन करबा को पड़िबो दिस इज टू एनश्योर दैट द मेमोरी स्पेस आलोकेट टू द वेरिएबल इनिशियलाइज विथ ए वैलिड वैल्यू आमे जो मेमोरी टा आलोकेट करबा सो वी हैव टू आलोकेट विथ ए वैलिड वैल्यू द वेरिएबल कैन बी असाइन द वैल्यू बाय यूजिंग फॉलोइंग टू मेथड वन इज डायरेक्ट असाइनमेंट अनदर इज एक्सेप्ट स्टेटमेंट आमे दीटा वेरे वेरिएबल टाको वेरिएबल रे वैल्यू स्टोर करि परबे गोटा होची डायरेक्ट असाइनमेंट आ गोटा होची एक्सेप्ट स्टेटमेंट डायरेक्ट असाइनमेंट इज व्हाट इट देखो केमते डिफाइन कराउची वेरिएबल टा आमे जदी न्यूमेरिक वैल्यू टा स्टोर करिवा सुडो कोटा तमे जानथिबो बिगिन आउ एंड रे आमे स्टार्ट करले एतरे आमे वेरिएबल टा डिफाइन करिवा फर्स्ट आमे डिफाइन करिवा न्यूमेरिक न्यूमेरिक हला आमे ठी न्यूमेरिक बा नंबर्स स्टोर करिवा वेरिएबल टा टी डिफाइन हला हाइट ता अगर आमे पास करे स्मॉल एन ए स्मॉल एन टा जतरा आमे पास करूचे आमे जानी परिवा जे एन रेफर्स टू द न्यूमेरिक माने आमे न्यूमेरिक वैल्यू टी स्टोर करिवा एन एज एन रेफर्स टू द न्यूमेरिक एज मींस हियर वी आर स्टोरिंग द एज वैल्यू एन काउंटर सो एन काउंटर मींस इट इज रेफर्स टू द काउंटर वेरिएबल कैरेक्टर सी कोड Height is equals to 178, age equals to 35, counter equals to n age plus 10. मने age रे हमें 10 इटी ऐड करले। तो C code is equals to x y z. तो इटी हमें को जो character value रहेला इटी हमें x y z store करले। That is what हमें variable टा define करले। At the time of defining variable, मुझे value टा assign कर देले। Height रे 172, age रे 35, counter इटी मुझे 10 ऐड कर देले। तो मु अल्टीमेटली कह कलि ना गोटे गोटे वैल्यू एठी असाइन कर देले बुझेला यस सर नाउ अनदर वे इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट ए वैल्यू फ्रॉम द यूजर हमें यूजर को कहिबा जे द यूजर यू हैव टू गिव ए वैल्यू मते वैल्यू दियो मुझे की वैल्यू स्टोर करबे से जगह आम यूज करवा एक्सेप्ट स्टेटमेंट से माग देख ये बिगिन सुडोकोड जो स्टार्ट हम लिखा बिगिन क्यारेक्टर सी नेम न्यूमेरिक एन एज तो मुझे मोर नेम पास कली एंटर योर नेम तो एक्सेप्ट नेम तो नेम टा मोर एक्सेप्ट है तो डिस्प्ले एंटर योर एज तो मुझे एज टा स्टोर कली तार एक्सेप्ट करी एज ओके एटा होची आमे एक्सेप्ट स्टेटमेंट यूज करिवा टू स्टोरिंग ए वैल्यू बुझेला यस सर इन डाउट आउ कार डाउट होची ओके नाउ टेल मी Which one of the following variable doesn't comply with variable naming convention? Variable ra jo na ta me daba sei naming rule anusare ko ta appropriate variable name ta name nu hi abitro ko ta appropriate name nu ho n product name n product name
ओके एनी अदर रश्मि रश्मि अरस्मिता सागर अविनाश जर एन यूनिट प्राइस एन यूनिट प्राइस रश्मि आंसर रश्मि कर तो एन यस सर ओके आउ की कहबो आ भितरे कोटा हे परिवनी वेरिएबल नेम सागर सर एन कॉस्ट एन कॉस्ट अविनाश द एन यूनिट प्राइस यस करेक्ट आंसर इज एन यूनिट प्राइस कहीं की ना देखो यूनिट आउ प्राइस भीतर एठी स्पेस रही जे आउ सब जगह देखो स्पेस नहीं आमे जेताले वेरिएबल नाटा दबा द वेरिएबल नेम भीतर कोनोसी स्पेस रहिवो नहीं इट इज द फर्स्ट रूल कौनसी ब्लैंक स्पेस रहिबो नहीं एंड वेरिएबल नेम शुड नॉट बी स्टार्ट विथ एनी नंबर वेरिएबल नाटा कौनसी नंबर रु स्टार्ट हबो ने कौनसी सिंबल रु स्टार्ट हबो ने तो दैट इज द रूल फॉर डिफाइनिंग ए वेरिएबल बुझियला वेरिएबल टा एमती ए वेरे में डिफाइन करिवा यस सर ओके मनीषा बुझियला यस सर Correct answer is this one. Now, let us perform the following exercise. Which one of the following variable is and are declared as per as the variable naming convention? माने कोटा अभी तरे correct अच्छी. First टा correct अच्छी की? No. सर ओके बिकॉज़ एठी हमारा स्पेस रही छे बुझियला स्पेस अच्छे ओके गुड नेक्स्ट सेकंड नो 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 सर बिकॉज़ एटा गोटे सिंबल अच्छे सिंबल अच्छे वेरी गुड ओके देन सी फर्स्ट नेम थर्ड नो नो सर यस It is also in कहीं की सिंबल स्टार्टेज यस सर एट द रेट जिमेल लो सो मते स्पेस भी होचे एटा एटा कथा कहू छी एटा एटा आ भीतर स्पेस अछे स्पेस अछे देन एड्रेस रे स्पेस अछे एड्रेस टा सिंबल अछे सिंबल अछे ने एटा हबो ने गुड वेरी गुड देन नेक्स्ट एटा यस जो स्ट्रिक्ट एड्रेस नो सर स्ट्रिक्ट एड्रेस हम नहीं नो सर हम नहीं कहीं स्पेस स्पेस नहीं स्पेस जगह स्पेस जगह कौन यूज करा है अंडरस्कोर अच्छी अंडरस्कोर तो वेरिएबल ले जेते बेले हमें नेम बा जोठी हमर स्पेस रो रिक्वायरमेंट अछि स्पेस जगह रे हमें अंडरस्कोर यूज करबा बुझला यस सर यस सर देन नेक्स्ट यूनिट प्राइस एटा हबो कि नहीं हबो नी हब एटा हबो नी कैन सर मजलोड सिंबल अछि सिंबल अछि सेति पे हबो नी गुड लास्ट मन रखिबो जोटी स्पेस थिबो सेठी हबो ने कोनोसी सिंबल जदि स्टार्टिंग हेतिबो हबो ने भितरे जदि किछि एक्स्ट्रा सिंबल थिबो हबो ने कौन से नंबर जो दी स्टार्ट हो चुकी है तभी हो बने बुझे ला यस सर यस सर यस सर ओके सो राइट ए सुडो कोड टू एक्सेप्ट द टू नंबर
multiply the number, then display their product. गोटे सुडो कोड लिखिबा, accept two number, multiply the number and then display their product. देखो ए आंसर टा खाली मुझे देखे दूसरे तापर गुड़ा तुम्हें कर से कहला जे दुईटा नंबर आमको नवार अच्छे आम मल्टीप्लाई करवापर आम रिजल्ट शो कर दुईटा नंबर पर दुईटा वेरिएबल डिफाइन कले जेहेतु ये नंबर से न्यूमेरिक डिफाइन कले न्यूमेरिक एन नम वन एंड एन नम टू तापर मु कौन करी ना रिजल्ट शो करी रिजल्ट मुझे प्रडक्ट यूज कले कौन कले ना एक्सेप्ट नंबर वन एक्सेप्ट नंबर टू दुटा नंबर मुझे एक्सेप्ट कल एक्सेप्ट नंबर वन एंड एक्सेप्ट नंबर टू देन प्रोडक्ट इक्वल्स टू नंबर वन एंड नंबर टू दुटा नंबर को मल्टीप्लाई कली नंबर वन एंड नंबर टू देन मुझे डिस्प्ले करी डिस्प्ले द प्रोडक्ट नंबर वन एंड नंबर टू ओके तो फर्स्ट आई डिफाइन न्यूमेरिक नम वन नम टू एंड एन प्रोडक्ट एक्सेप्ट नंबर वन accept number 2 then it is multiply the number and it shows the result the product of n norm 1 n norm 1 means mood value nelli n norm 1 and n norm 2 is n product bujhela yes sir okay au ke bujhina parla sir last line to tikke outre koi jantu last line ta hela मुझे डिस्प्ले करी द डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ एटा होची कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस मीन्स कॉनकैटिनेशन माने दीटा एक स्टेटमेंट को आमे जदि जॉइंट करिबा आमे प्लस सिंबल यूज करूचे द प्रोडक्ट ऑफ सपोज 5 मु पास करूची द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड धर मु पास करली 6 सेति पे मु आउडे यूज करली 6 इज 6 * 5 * 6 इज 30 बुझेला Yes, sir. बुझे ला इडा सर हाँ को सर जो डिस्प्ले द प्रोडक्ट कोई ले सर सर गुट्टे नंबर प्लस आगे सेकंड नंबर टाइम ऐड कर सॉरी आ नहीं मल्टीप्लाई कर ला पर कॉनकैटिनेशन 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 मीन्स जॉइंट करीवा दीटा का स्टेटमेंट को हमें जॉइंट करीवा एठे कौनसी मैथमेटिकल ऑपरेशन होनी डिस्प्ले रे आमे जहा लिखिवा सेटा आमे शो करिवा सेति पे दीटा लाइन टाकू जॉइंट करिके एक संगे दीटा अलगा-अलगा लाइन अछि ताकू जॉइंट करिके गोटे लाइन ने देखेबा पे आमे प्लस यूज करू छे आ कोआ जे कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बुझेला यस सर एठे कौनसी एरिथमेटिक ऑपरेशन होने जहा हमर एरिथमेटिक ऑपरेशन बा कथा ए प्रोग्राम भीतर ठीक गला नॉर्म 1 * नॉर्म 2 बुझेला यस सर आउ कार किसी डाउट अछि आ भितरे नो सर देन इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू राइट अ सुडो कोड दैट एक्सेप्ट अ टेंपरेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फारेनहाइट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट तो एटा में करी कि तुम्हें देखेबो असाइनमेंट गुडा का सब कर जहार किसी डाउट रहो मत पचार असाइनमेंट मत सबमिट कर I'll send it.
Then next comes to all computer language provided tools for some predefined operation. These tools are known as operator. The operators are categorized in the following way. One is your arithmetic operator, relational operator, then logical operator. So three type of operator we are using: arithmetic operator, relational operator, then logical operator. So in arithmetic operator are used to perform the arithmetic calculation like multiplication, which is used to multiply the number, division, it is used to divide a number, plus it is used to adding the number, minus is used to subtract the number. So it is a arithmetic operator we are using. Star is used to multiply the number, divide is used for divide the number, plus is used for adding a number, minus is used to subtract the number. Okay. Yes, sir. And here, percentile. The percentile is used to show the remainder part. Remainder means after divided number, it show the remainder. It show the remainder part. So after the division, then it is display the remainder part. It divide the two number and return the remainder one. Okay, suppose mo 10 by 3 karibi, to mo remainder keta asibo? Jodi mo percentile use karibi? 10 divided by remainder 1 asibo. Remainder 1 asibo. To modulo ame use kale, this symbol is called the modulo. Modulo is used to show the remainder part. Okay? We are showing you the precedence of arithmetic operator, high to low. We use multiplication first, then tapar amar asiba division. Modulo is used to showing the remainder part. Plus is used for adding a number. Minus is used to subtract the number. Okay. So first, plus multiplication is used to multiply the number. Divide is used to divide a number. Modulo is used showing a remainder part. Plus is used for adding a number. Minus is used to subtract the number. Okay. Next, we are using the relational operator. Relational operator is used to compare the two variable or constant. We are using equal to. When you are using equal to, suppose if I write A equals to 5, that means in A I have store 5. Mu jodi likhibi A is equals to 5, tale mu check karibi whether your value A is equals to 5 or not. Mu jodi A is equals to 5 likhibi, that means I will check whether the value of A is equals to 5 or not. When I write A is equals to 5, that means I will check whether your value A is equals to 5 or not. Equals to, greater than, less than, not equals to, greater than equals to. So these are the relational operator we are using. Equals to, greater than equals to, less than, not equals to, greater than equal to. Then we're using Rabujiala relational operator. Yes, sir. Then comes to the logical operator.
logical operator are used to combine the expression containing the relational operator and or not operator. And means if two statements are true, if both the statements are true, it return you true. ओके जदि दीटा स्टेटमेंट ट्रू अछि मैं देखे दउछि एंड ऑपरेटर कौन आसीबो True, true. It return you true. True, false. Return you true. Sorry, return you false. It is in the case of AND operator. False, false. Return you false. In the case of OR operator, true, true. Return you true. Then true, false. Return you true. False, false, return you false. मैं जब दीटा स्टेटमेंट ट्रू हैला, ताले ट्रू रिटर्न करी हो, ट्रू फॉल्स चले, ट्रू आसी हो, फॉल्स फॉल्स चले, दीटा अगर जब दी फॉल्स चला, ताले फॉल्स आसी हो. In the case of not operator, programmatic in the case of not operator, not operator कहाँ आसी हो? जब दी मरो ट्रू हैला तले फॉल्स रिटर्न करियो यदि फॉल्स हैला तले ट्रू रिटर्न करियो ट्रू हैले फॉल्स रिटर्न करियो फॉल्स हैले ट्रू रिटर्न करियो इट इज इन द केस ऑफ व्हाट यू कैन से इट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर is high to low first is not operator then and operator then or operator okay so these are the operators chapter it is over So in the next class, I will go for if and switch construct, if and switch construct, conditional construct in pseudocode. Okay, so in the next class is on your Saturday. The Saturday, tomorrow next class, hobo. That is 7:30, 7:30 to 8:30. That is a 1 hour class. Okay, so wait, attendance nahi hai. देखिए के प्रेजेंट अच्छा अविनाश यस सर प्रेजेंट रश्मि रंजन अब्सेंट अरुण रश्मि यस सर प्रेजेंट हाँ रश्मि रंजन हाँ हाँ
Maheshwar absent. Gulam Rabani absent. Sagar present achi. Saswat absent. Nibir Singh absent. Birendra absent. Okay. So in the next class is on Saturday 7:30. Okay. तो जहाँ किसी डाउट रही मत पर्सनली फोन करी मु कही देवी ओके जहाँ जहाँ असाइनमेंट जो किसी प्रॉब्लम रहना ओके यस सर थैंक यू सर थैंक यू सर गुड नाइट थैंक यू सर